अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ टोयोटा ग्रैंडी। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। टोयोटा ग्रैंडी, इट्स अ 2021 मॉडल, अवेलेबल विद इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन। एक्स वेरियंट कार है ये विद 1800 सीसी इंजन कैपेसिटी, जिसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 68,000 किलोमीटर्स, और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है दैट इज 62,50,000, 62,50,000 रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन एंड इन अ वेरी यूनिक शेप विद द फैसिलिटी ऑफ फॉग लैंप्स एंड फ्रंट कैम। बैक साइड को भी बहुत ही अग्रेसिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें बैक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है विद द फैसिलिटी ऑफ बैक कैम। फ्रंट बोथ डोर्स कीलेस एंट्री के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है, और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई हैं पावर विंडोज, डोर्स एंड विंडोज लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर अवेलेबल है विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। बैक साइड के दोनों डोर्स भी मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ अवेलेबल है, जिसमें डोर ओपन क्लोज करने के लिए क्रोम का लीवर प्रोवाइड किया गया है विद द फैसिलिटी ऑफ पावर विंडो एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका रूम अवेलेबल है इन अ वेरी फाइन कंडीशन। डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद एसी ग्रिल, और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है दो एसी की ग्रिल्स, डिजिटल वॉच, एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल विच इज इन टच शेप विद द फैसिलिटी ऑफ हैजर्ड लाइट्स बटन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, और इसके बॉटम में प्रोवाइड किया गया है एसी पैनल जो कि बटन शेप में अवेलेबल है। ड्राइविंग साइड पे प्रोवाइड की गई है एसी की ग्रिल, पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी एंड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। स्टेयरिंग की बात की जाए सो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें मल्टीमीडिया को ऑपरेट करने के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर मेकिंग योर राइड सेफ एंड सिक्योर विद द फैसिलिटी ऑफ एन एयर बैग, और क्रोम की स्ट्रिप इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रही है। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि पैडल शिफ्टर्स का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग विद क्रूजट्रॉनिक फीचर। ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो हियर वी गो, सो दिस इज द स्टार्टअप। राइट साइड पे 240 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है, लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम मीटर मौजूद है, और इसके मिड के सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है एक डिजिटल पैनल जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल व्हिच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड, काफी अनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पैडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूं एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट दोनों सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे मौजूद है 12 वोल्ट की एक पोर्ट, यूएसबी पोर्ट फॉर चार्जिंग पर्पस, ऑक्स पोर्ट विद अ पोर्शन जिसमें आप अपने सेलफोन वॉलेट या कीज को कैरी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद ऑटो ट्रांसमिशन लीवर, हैंड ब्रेक लीवर, टू कप होल्डर्स एंड स्पोर्ट्स मोड का फीचर भी अवेलेबल है, जिसकी बैक साइड पर प्रोवाइड किया गया है आर्म रेस्ट का फीचर जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके। ड्राइविंग साइड पर मौजूद शेड की बात की जाए सो इट इज अवेलेबल विद द फैसिलिटी ऑफ मिरर, जिसमें मैनुअली लाइट ऑन ऑफ का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। सेम कंडीशन और सेम फीचर्स के साथ सेकंड सीटर साइड का शेड भी अवेलेबल है, और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ऑफ अ बॉक्स जिसमें आप अपनी ग्लासेस को भी कैरी कर सकते हैं, प्लस सनरूफ का फीचर भी अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी अनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स आर अवेलेबल इन लेदर स्टफ विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में एक पैनल प्रोवाइड किया गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं आर्म रेस्ट के तौर पे विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ में अवेलेबल है लाइट पैनल
विच इज़ इन वर्किंग कंडीशन, और इसके मिड में भी लाइट पैनल प्रोवाइड किया गया है जो कि वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है। ऑब्जर्व करते हैं बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी, एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस विच इज़ टू मच वाइड, जिसके अंदर लगेज की बहुत ही अनफ क्वान्टिटी ईजिली कैरी की जा सकती है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन, इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।